नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैल। कोरोना को लेकर कहानी रोज रोज बदलती जा रही। अब तक देश में 114 मामले आए हैं तो यूपी में भी संख्या 13 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया भर में 1.25 लाख से अधिक लोग हैं और लगभग 6,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में जिस तरह कोरोना फैला है उस लिहाज से भारत में अब तक मरीजों की संख्या उतनी तो नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर भारत में अभी और गंभीरता लाने की जरूरत है। 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश में जिस तरह कोरोना वायरस के लिए स्क्रीनिंग और सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं वो अभी फिलहाल नाकाफी है, लेकिन एहतियात बरते जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति में इस वायरस की मौजूदगी है जो कभी ना तो विदेश गया और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आया है तो खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि आगे के बचाव का प्लान क्या है, जब लगातार मरीजों और संदिग्धों की संख्या बढ़ रही हो तो आगे की तैयारी क्या है, यूपी जैसे बड़े राज्य में सरकार का प्लान क्या है। निर्देश तो दिए गए हैं, पब्लिक गैदरिंग पर रोक भी लगा दी गई है, लेकिन इससे कोरोना के बढ़ते कदम को कितना थामा जा सकता है और अब मौजूदा वक्त में आखिर क्या है कोरोना से बचाव का प्लान। तो आज जिस तरह से खुद जमीन पर उतरे हैं सीएम योगी, उन्होंने निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। कल भी उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी, जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कोरोना को लेकर सतर्कता बरतें, जागरूकता फैलाएं। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, पहले वो आपको सुनाते फिर आज की बहस शुरू करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ प्रदेश सरकार ने वे हर प्रकार के कदम उठाए हैं। बचाव के लिए अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आपने सिटी के अंदर देखा होगा जगह जगह रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, इन सभी जगह बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं अवेयरनेस के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया है, यहाँ पर फिलहाल राउंड द क्लॉक पूरे प्रदेश के अंदर एक बेहतर सर्विलांस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और हमारा प्रयास है कि इससे भी बेहतर एक परमानेंट कंट्रोल रूम स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर बनाए। तो कोरोना की ताजा स्थिति यह है कि यूपी में कॉलेज स्कूल बंद हैं, मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों पर तालाबंदी कर दी गई है। 31 मार्च तक एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग ना हो, कोरोना का वायरस और ना फैले, इसको लेकर तमाम कदम उठाए गए हैं। पर इससे कहानी कितना बदलेगी, तरीके क्या कुछ हैं, एहतियात किस तरह के हैं, जागरूकता का लेवल क्या है और कोरोना का खुद का लेवल अब जिस तरह से हाई होता जा रहा है, रिस्क बढ़ने की संभावनाएं जिस तरह की हैं, इटली में जिस तरह से पहले सामान्य रही संख्या और फिर अचानक से जिस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, क्या उस रोड मैप को ध्यान में रखते हुए अब सतर्कता बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर भूपेंद्र हैं, आरडीए चीफ है केजीएमयू के, और अमिता जैन जी हैं, एचओडी हैं, माइक्रोबायोलॉजी विभाग केजीएमयू की। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले संजीव मिश्रा जी आपके पास आएंगे। कल हाई लेवल मीटिंग हुई, पब्लिक गैदरिंग ना हो इसके लिए बड़े कदम उठाए गए, मल्टीप्लेक्स बंद है, अब जिम बंद है और स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट आ रही, जिस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा, अब किस तरह की सतर्कता है, किस तरह की निर्देश है, क्या प्रयास है? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी खुद जब सड़क पर आ गए हैं और हर तरीके की जागरूकता के लिए लगे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार लगी है, स्वास्थ्य विभाग पूरा लगा है, स्वास्थ्य महकमा पूरा लगा है, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश और देश में जिस तरीके से कोरोना के लिए अभियान चल रहा है, ये तो अब विश्व में भी लोग मान रहे हैं कि उत्तर देश ने, भारत ने जिस तरीके से इस पर कंट्रोल किया, मुझे लगता है कि देश भी उस पर अपनी चलने के लिए तैयार है उसी पथ पर। यूपी तो जैसे बड़े राज्य में ये बड़ी चुनौती नहीं है? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पहले 800 के करीब थे हमारे पास आइसोलेटेड वार्ड और बेड्स,
अब उसको 1000 के ऊपर कर दिया गया है। कहीं किसी तरीके की कोई कमी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं रखी है और देश की भी सरकार ने नहीं रखी है। देखिए प्रधानमंत्री जी किस तरीके से सार्क कंट्रीज के से तालमेल करके और वहां पर भी कैसे इसको इस पूरे सिस्टम को रोका जाए इस पर लगे हुए हैं और इसको पूरा विश्व अब ये देख रहा है। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश की और देश की सरकारें ने जिस तरीके से जागरूकता के माध्यम से जिस तरीके से अपनी जो होमवर्क था वो सरकार पूरी तरह से तैयार, बिल्कुल 100% सरकार तैयार है, कोई भी मरीज आएगा पूरी सुविधाएं मिलेंगी और वक्त पर जांच होगी। इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में जागरूकता इतनी हो गई है कि आप किसी लेवल पे देख लीजिए जनता में एक माहौल बना है कि किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है। लोग अब घर जा रहे हैं तो अपने हाथ को साफ करके तभी अंदर घुस रहे हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन काम है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से देश में और प्रदेश में खासतौर से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने एक अभियान चलाकर बिल्कुल माहौल आपने तैयार किया है, लेकिन महामारी बहुत तेजी से पांव पसार रही है। ऐसे में अमिता जी आपसे जानना चाहेंगे जो लेवल इस समय बीमारी का है, जो जानकार बता रहे हैं कि अभी सेकंड स्टेज में है और ये गनीमत है, अगर थर्ड स्टेज में मामला पहुंचा तो चुनौती बढ़ जाएगी, सतर्कता का लेवल बढ़ जाएगा, जागरूकता का लेवल तब बेहद जरूरी हो जाएगा। मौजूदा स्थितियों में आपकी क्या सलाह है, क्या तस्वीर आप देखती हैं अभी कोरोना की? देखिए ऐसा है, सेकेंड स्टेज का मतलब ये है कि अभी सिर्फ उन लोगों में हमें कोरोना की पुष्टि हुई है जो या तो ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, या वो लोग जो इनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं। इसके अलावा किसी में भी कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। जो स्टेज 3 की बात हो रही है इसका मतलब ये है कि ये स्थिति आ जाए कि जो लोगों में ये दोनों चीजें नहीं है, ना कॉन्टैक्ट है ना ट्रैवल का हिस्ट्री है, वो पॉजिटिव टेस्ट हो। हमारा पूरा प्रयास है, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है, मैंने 40 साल में अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा जब इस तरह का काम हुआ हो, जबकि स्टेज 2 से स्टेज 3 जाने में टाइम लगे। इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से स्लो डाउन किया गया है और मुझे नहीं लगता है कि ये स्थिति आएगी कि जिसमें हमारी सर्विसेज की इनसफिशियंट होंगे। इस समय में जितना भी कुछ डायग्नोस्टिक्स, पेशेंट के एडमिशन की सुविधाएं जो कि सरकार ने उपलब्ध कराई हैं वो काफी हैं और हम इससे लड़ने में सक्षम हैं। ये तैयारी तो सरकार के लेवल पर है, डॉक्टरों के लेवल पर है ये तैयारियां अमिता जी, लेकिन आप मरीजों को भी फेस कर रही होंगे। जो मरीज आपके पास आ रहे हैं किस तरह की चिंताएं लेकर आ रहे हैं, किस तरह के सवाल लेकर आ रहे हैं जो आप अभी मौजूदा वक्त में फेस कर रही? जी, मरीज आमतौर पे पूछते हैं कि मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, मुझे बुखार हो गया या मुझे खांसी आ रही है। उन सभी लोगों को मेरी सलाह है कि कृपया कोरोना से ना भयभीत हो। ये समय ऐसा है जब वायरल इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, हो सकता है कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको सही सलाह देंगे, जरूर देंगे। 2-3 चीजों का ध्यान रखना इस समय जरूरी है। हैंड हाइजीन की बात हम सब कर रहे हैं और अच्छी बात है कि जनता जागरूक है, उनको पता है कि हमको जाने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। अगर हम पब्लिक प्लेसेस में कोई चीज को टच करते हैं, जैसे दरवाजों के नॉब हैं या लिफ्ट के बटन हैं या सीढ़ियों की रेलिंग है, तो उसके बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोएं। अगर वो साबुन और पानी नहीं अवेलेबल है तो आप हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, इसका मतलब यह है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में ना रहें और आपस में दूरी बनाए रखें। तीसरी बात जो की जा रही है वो ये है कि अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। बेहतर होगा कि जो चीजें घर से मैनेज की जा सकती हैं उनको घर में करें, जो आपके इंटरनेशनल ट्रैवल के या अदरवाइज ट्रैवल के प्लान्स हैं उनको फिलहाल के लिए पोस्टपोन करें। इसके अलावा आपको कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जागरूक भी रहना है, सिचुएशन नहीं है। जो कुछ देखा जा रहा है वो अवेयरनेस है, अवेयरनेस क्रिएट तो करना होगा, तो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। भूपेंद्र जी आपको लग रहा है कि अवेयरनेस का वो लेवल है कि हम इस महामारी को टैकल कर सकें, लोगों में जागरूकता शहरों में तो है लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां पर ग्रामीण अंचल में लोग छोटी छोटी बीमारियों को लेकर जागरूक नहीं है। अभी ये गनीमत है कि ये रिमोट एरियाज में भी है, ग्रामीण इलाकों में छोटे इलाकों में पहुंची नहीं है। अगर वहां पर ये चीज पहुंचती तो आपको लगता है कि फिर चुनौतियां बढ़ जाएंगी, इसलिए वहां पर भी हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी, रूट मैप तो तैयार करना पड़ेगा। देखिए मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ये लड़ाई
लड़ रही है वो बहुत ही अच्छे ट्रैक पर है, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपनी जनता को एक कमतर आंकते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। आज भी हम लोग ओपीडी में देखे, या मैम भी तमाम लोगों से मिली होंगी, जनता में जागरूकता का स्तर काफी ज्यादा है, और बहुत सारे गाँव के मरीज, बूढ़े बुजुर्ग मरीज आते हैं जिनको कि हमें लगता है पता नहीं ये मोबाइल फोन भी चलाना जानते हैं कि नहीं जानते, वो भी व्यक्ति आया है, चलिए वो मास्क अफोर्ड नहीं कर सकता तो अपना जो गमछा होता है उसी को अपने मुंह पर लगाकर आया हुआ है। मतलब लोगों तक सूचनाएं पहुंच रही हैं इस बीमारी को लेकर और उससे बचने की जागरूकता को, प्रयासों को लेकर। ये मैं बिल्कुल, क्योंकि आज जब मैं होली की छुट्टी के बाद ओपीडी में बैठा मरीजों से मिला तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरह से बिल्कुल लोग इसके बारे में जागरूक है, ग्रामीण इलाकों के लोग, ग्रामीण इलाकों के लोग इसके बारे में जागरूक। सवाल है किस तरह के सवाल लेके आ रहे हूँ, एक थोड़ा सा ये तो है कि थोड़ा सा पैनिक है, पैनिक है, थोड़ा सा पैनिक है, मैं इसको जरूर मानूंगा, लेकिन मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि 6-7 अरब इस धरती पर आबादी है, और आप 1.25 अरब की आबादी में 114 केस हैं, और आप देखेंगे बचे हुए आबादी में तो लाखों की संख्या में है, तो सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, जिस ट्रैक पर चल रही है उसी ट्रैक पर चलती अच्छा, रहे, बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण अंचल से भी जो लोग आ रहे हैं वो इतने अवेयर दिख रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, इस बीमारी के बारे में उनको समझ है, लेकिन अफवाहें भी फैलती है, क्या इस तरह की कोई अफवाह लेकर भी आया, कोई इस तरह के सवाल भी लेकर आया, इलाज को लेकर, लक्षण को लेकर, बीमारी को लेकर, वायरस को लेकर? नहीं, इस तरह का देखिए, जो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से तमाम जो फेक न्यूज है और गलत बातें हैं, कोई कह रहा था कि डॉक्टर साहब क्या कपूर से, गौमूत्र से, कपूर से, अभी मैंने देखा चक्रपाणी महाराज ने एक कार्यक्रम किया था गौमूत्र के माध्यम से, तो ऐसे लोगों को भी नकेल की जरूरत, बिल्कुल, जैसे मैंने पिछले कार्यक्रम में बहुत आपको बधाई दूंगा, पिछले कार्यक्रम में जो हमने मुद्दा यहाँ पर उठाया था कि कोई ताबीज बेच रहा था उस व्यक्ति को अगले दिन सरकार ने गिरफ्तार किया, तो ये एक जैसे ऐसे लालची लोग हैं, वो एक मौका भुनाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि एकदम नॉन साइंटिफिक, हम आयुर्वेद या किसी पैथी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक कहानी और भी है कि जब इतनी तैयारियां हो चुकी हैं, जब जागरूकता का लेवल ये पहुंच चुका है कि ग्रामीण अंचल तक भी ये सूचनाएं पहुंच रही है, तो चुनौतियां हैं किस तरह की, किस तरह से अब टैकल करना है चीजों को, किस तरह से बना के रखना है ये माहौल कि जो अभी तक जो स्थिति है उससे और ज्यादा विकराल ना हो, ये चुनौतियां हमारे लिए बढ़े ना, बल्कि हम इसे और कंट्रोल में कर सके। ये देखिए, आप जब ग्रामीण जनता की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो पुणे से अस्पताल से भागे हुए लोग हैं, क्या ये ग्रामीण लोग हैं, या जो ये रेलवे में जिनकी बहू थी जो कि विदेश यात्रा करके आई थी, ये ग्रामीण लोग हैं, या इटली से जो लोग आए थे और अपनी बातों को छुपा ले गए, या नागपुर से जो मरीज भाग गए, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये ज्यादा जाहिलियत का काम कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए, और जैसे नया प्रचलन सरकार ने शुरू किया है कि नेम एंड सेम, इनके साथ भी करना चाहिए, ये लोग चलते फिरते जैविक हथियार है, जैविक बम है, ये हमारे समाज के लिए, पब्लिक गैदरिंग के लिए बड़ी चुनौती हो जाएंगे। संजीव मिश्रा जी, जब इस तरह की चुनौती हो, क्योंकि जो संक्रमित व्यक्ति है वो कई तरह के माहौल में रहता है, कई तरह के लोगों के बीच में रहता है, तो डिप्रेशन में भी आ जाता है, उसको डर भी सताता है कि भाई हम इतनी बड़ी बीमारी के चपेट में आ गए, तो उसको कॉन्फिडेंट रखना है, उसको क्लियर रखना है, उसको जो है समाज से बचाना भी है और खुद उसको भी बचाना, ये चुनौती सरकार कैसे टैकल करेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए जो लोग भी बेंगलोर के और पुणे के लोग जो एडमिट थे, वो लोग वहां से भागे, ताबीज बाबा भी और बहुत आ गए, उनके खिलाफ FIR लिखा दी गई, और ताबीज बाबा की तो मैं बात कर लूं, पिछली बार मैं भी आया था आपके चैनल पे, यहां से जाते ही मैंने DM से बात की थी इस संबंध में, और उसी दिन उनका बोरिया बिस्तर उठा लिया गया था। ये बड़ी ऐसे लोग बहुत चुनौती बन जाते हैं ना साहब, दिन रात देखिए डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, लाखों की संख्या में मरीजों को फेस कर रहे हैं, इसलिए कि ये सर्कुलेट ना हो पाए, लेकिन ये लोग कॉन्फिडेंट दे देते हैं और जो बीमारी होती है वो और महामारी बन जाती है, तो ऐसे लोगों पे नकेल कसने की जरूरत है। पोस्टर भी लग रहे साहब, इश्तेहार भी लग रहे हैं, कोई 20 रुपए में कोरोना ठीक कर दे रहा, कोई एक पैक से बता रहा कि कोरोना ठीक हो जाएगा, ये भी तो दूर करने की जरूरत है। वो बाबा जो सिद्दीकी बाबा थे जिनका जिक्र किया जा रहा है, वो तो 11 रुपए में ही ठीक कर रहे थे, लेकिन बहुत अजीब बात है, विडंबना है कि लोग इन पर विश्वास भी करते हैं, यही जागरूकता की कमी है ना सर? नहीं, जागरूकता की कोई कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, मैं तो कहूंगा जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग एक तरीके से जो प्रचार कर रहे हैं, जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसी का नतीजा है कि एक एक व्यक्ति को आज कोरोना से किस तरीके से हमें बचना है, इन सब की अच्छा, जानकारी अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमने देखा तैयारियां तो सब बहुत हो चुकी हैं, अधिकारियों को आप निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर काम डॉक्टरों को करना है, मरीजों को स्थितियां फेस करनी है और सर्कुलेट ना हो, जिस तरह से मैडम भी बता रही थी कि थर्ड स्टेज में मामला ना जा पाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, तो इन चुनौतियों को लेकर क्या प्लानिंग हो रही है, क्या विशेषज्ञों से बात हो रही, जिन मरीज भी ठीक हुए हैं, 10-12 मरीज भी ठीक हुए, तो किस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें दिया गया, इसको लेकर भी चर्चा हो रही, कोई प्लानिंग हो रही?
देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से बता दूं कि जो भी खांसता है या छींकता है वो लोग भी तुरंत पहुंचते हैं डॉक्टर्स के से कंसल्ट करते हैं। अच्छा, क्या बंद करने जा रहे हैं ये भी बता दीजिएगा जी, और क्या बंद करने जा रहे हैं? अभी तो मल्टीप्लेक्स वो बंद, नहीं देखिए बंद कुछ नहीं किया जा रहा है, ये तो जनता के भलाई का काम किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा बड़ी मात्रा में लोग एकजुट ना हो, जिससे कि कोई संक्रमण फैलने ना पाए, तो ये तो जनता के हितों का काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ आज जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने आज दौरा करना शुरू कर दिया है, तो इससे और बड़ी गंभीरता आ गई है। डॉक्टर्स अलर्ट है और बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग ये अभी हम जो गिनती बताते हैं कि 100 से ऊपर हो गए, 110 हो गए, ये बेसिकली मैं देखूं तो जुखाम बुखार, जिनके हल्का सा भी बुखार आ रहा है, ये वो लोग हैं। अभी तक मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गंभीर नई व्यक्ति वक्त रहते हम काबू कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए अमिता जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप एक डॉक्टर भी हैं, आप ऐसी बीमारियों को आपने देखा भी होगा कि इसमें जरूरतें किस तरह की होती हैं, अब आपको क्या लगता है क्या जरूरत है डॉक्टर जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, भारत में ही तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो इस बीमारी का अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मरीजों को ठीक भी किया गया, उनके पीछे कमेटी बननी चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य है जिसमें कहीं ना किसी तरह का असर है, तो उनके पास हर किसी पास ये जानकारी हो, ये तरीके हो, इसको लेकर भी आपस में चर्चा होनी चाहिए, कोई एक रोड मैप बनना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, और एक्चुअली अच्छी बात यह है कि ये हो रहा है। यूपी में मुझे पता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब आपस में मिलके चर्चाएं कर रहे हैं, गोष्ठियां हो रही हैं, जो हमारा मेडिकल नॉलेज है, जो कुछ आ रहा है उसको सर्कुलेट किया जा रहा है। ये हम सब समझ रहे हैं कि एक नया वायरस है, इसके बारे में हमारे पास पहले से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान दें कि 6 हफ्तों के 8 हफ्ते के अंदर जिस मैग्नीट्यूड से लिटरेचर आया है, पब्लिकेशंस आ रहे हैं, जानकारियां आ रही हैं, गाइडलाइंस आ रही हैं, और सारे डॉक्टर इस पे निगाह रखे हुए हैं, चर्चाएं हो रही हैं, गोष्ठियां की जा रही हैं, कैसे इसको ट्रीट करना है, किसको इलाज की जरूरत है, किसको घर में रखना है, किसको अस्पताल में रखना है, इन सारे विषयों पे बड़ी क्लियर गाइडलाइंस आ रही हैं। अच्छी बात यह है कि ये एक माइल्ड इलनेस है, इसमें कोई बहुत गंभीर रूप सिर्फ 14-15% मरीज ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है, बाकी ज्यादातर लोगों में यह बहुत हल्के सिम्टम्स होते हैं, हल्का बुखार और खांसी इत्यादि, बहुत कम मरीज हैं, 5% से करीब मरीज हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और जिनमें मृत्यु हुई है जिन मरीजों की, ज्यादातर देखा गया है कि वो मरीज या तो बहुत वृद्ध हैं या उनमें पहले से कोई इलनेस है। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में ये बहुत हल्की बीमारी कॉज करता है, जिसको हम लोग माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस कहते हैं। बच्चों में कोई मोर्टैलिटी नहीं है, नहीं देखी गई है, नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स में नहीं देखी गई है, तो इसमें इतना फियर क्रिएट करने की बात नहीं है। ज्यादातर लोग, जैसे यूपी में हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक 11 मामले पॉजिटिव आए, उन 11 मामलों में सिर्फ 3 लोगों में सिम्टम्स थे, बाकी 8 लोगों में कोई सिम्टम्स थे ही नहीं, वो सिर्फ उनके कॉन्टैक्ट्स थे और उनको देखा गया और उनको चिन्हित किया गया, उनको अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा गया। तो ये माइल्ड इलनेस से लिटरेचर आ रहा है दिन प्रतिदिन, हर दिन 10-20-25 के हिसाब से आर्टिकल्स, जो बहुत ही गुड क्वालिटी आर्टिकल्स हैं, वो पब्लिश होते हैं, डॉक्टर्स हैं और जो लेबोरेटरी साइंस के लोग हैं, अगर आपके पास अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपके पास सही प्लानिंग है, तो वक्त रहते एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से भर रहा है, बढ़ रहा है, वो देखने की। बिल्कुल भूपेन जी, हम उस दौर में है जब टेली मेडिसिन की बात होती है, सोशल मीडिया की बात होती है, तकनीक की बात होती है, और मेडिकल में हम ये बड़ा नया दौर देख रहे हैं जब हर आदमी तक पहली बार इतना चिंतित नजर आ रहा है इस तरह की बीमारियों को लेकर। यह बदलाव की बड़ी आहट है जो जरूरत महसूस की जा रही थी भारत जैसे बड़े राज्य में, यूपी जैसे बड़े राज्य में, जहां पर मेडिसिन की सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं बहुत सर्वसुलभ नहीं है, तो ऐसे में इतनी बड़ी बीमारी को लेकर जिस तरह से मोमेंटम बना, ये भी एक बड़े बदलाव का संकेत और ये सकारात्मक है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि एक मैं कई बार कह रहा हूँ कि 23-24 करोड़ जहाँ पर आबादी है, यूरोप के कई देश के बराबर अकेला ये राज्य है, वहाँ पर एक तरह से देखिए 11-12 केस आते हैं, उसमें से भी कोई मृत्यु नहीं होती है, सबको बचाया जाता है, उसमें भी जैसा कि मैम ने कहा कि केवल 2-3 मामले ऐसे थे जो
जिसमें सिम्टम आए, गंभीरता की तो बात ही नहीं है, तो सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और पहली बार मैंने देखा, नॉर्मली क्या होता है कि जब ऐसी कोई बात आती है तो कहीं ना कहीं मीडिया है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो खींचातानी, पहली बार मीडिया भी देख, आपका चैनल तो बिल्कुल लगातार इस पर कर रहा है। जानना चाहते हैं लोग, ये कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे रखा उनको 14 दिन तक ऑब्जर्वेशन पीरियड पे रखा, उसके बाद वो ठीक होकर भी चले जाते हैं, लेकिन ये वायरस है फिर से डेवलप हो जाता है, फिर चुनौतियां बन जाती हैं, ये भी है ऐसा क्या, इसका फॉलोअप भी चाहिए? नहीं, फॉलोअप तो देखिए हर बीमारी में किया ही जाता है, लेकिन अभी इसमें ऐसा केस नहीं आया है, या ऐसा जो भी मैम ने कहा लिटरेचर जो भी है, कि जिसको एक बार निगेटिव देखा गया है तो वो फिर पॉजिटिव नहीं आ रहा। वैसे भी तीन बार अलग अलग सैंपल लेकर के जब निगेटिव आ रहा है, 24 घंटे के अंतर पे किया जा रहा है, जब निगेटिव आ रहा है तब उसको निगेटिव बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार हमने टेस्ट किया और निगेटिव आ गया उसको हमने निगेटिव दे दिया। अच्छा, जिस तरह की बात आपने कही कि मरीज थोड़ा उत्सुक भी है, थोड़ा पैनिक भी हो रहे हैं, उनके मन में सवाल में, ऐसे में आपको लग रहा है कि 5,000 सेंटर है पूरे यूपी में, तो हम कोई स्थानीय स्तर पर भी कोई पहल कर सकते हैं जहां पर वो कॉन्फिडेंट हो, जहां पर उनको अवेयर किया जा सके, क्योंकि डॉक्टर जब कहता है ना तो मरीज के अंदर विश्वास ज्यादा जगता है। देखिए, स्थानीय स्तर पे जो सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, सरकार के पास एक बड़ा तंत्र है, तो उस तंत्र का उपयोग करके, अब दो तरीका, आप देखिए सबसे बड़ी बात तो एक, इसमें हम बुला करके गैदरिंग करके तो कोई काम कर नहीं सकते, साथ देखिए पोस्टर दोनों तरह के लग रहे हैं, सही वाले भी लग रहे हैं, ताबीज वाले भी लग रहे हैं। नहीं, ताबीज वाले को तो आपने जेल में भिजवा दिया, अच्छा काम किया आपने। तो जो सीएचसी के लोग हैं, पीएचसी के लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी, देखिए सरकार के पास बड़ा नेटवर्क है, हर गाँव में आशा है, एएनएम है, जीएनएम है, तो उन सबको एक्टिव करके गाँव गाँव स्तर पे, यानी डोर टू डोर कैंपेन करके वहां पर पहुंचना चाहिए और उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए, और इस दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं सरकार की सराहना करता हूं, लेकिन इसको और हम अच्छे से कैसे करें, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम देशों में तमाम प्रयासों के बाद भी बड़ी तेजी से बीमारी फैला है, जो मैम ने कहा कि जो थर्ड स्टेज की बात है वो ना आने पाए, उसके लिए हमारा सारा जोर होना चाहिए, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। संजीव मिश्रा जी, जो बात भूपेन जी कह रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन की बात है, हर आदमी तक ये सूचनाएं पहुंचे, ये जानकारी पहुंचे, ये जागरूकता पहुंचे, इसको लेकर क्या प्लान है? निश्चित रूप से, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे आप जैसे शानदार चैनलों के माध्यम से हो, क्योंकि मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले में आपके चैनल ने जनता में जागरूकता पैदा करने का काम किया, और आज देखिए कितना कितनी बड़ी बात है कि आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से नमस्ते ट्रंप शुरू किया, और आज विश्व में वो नमस्ते चल रहा है, लोग जो नमस्ते के बारे में नहीं जानते थे, जो देश, वो देशों में भी नमस्ते का एक जो ट्रेंड चला। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में आज जिस तरीके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने निश्चित रूप से एक विश्व पटल पर नमस्ते को रख दिया, तो ये एक बड़ी बात है। और मैं निश्चित रूप से प्रदेश के खास तौर से जन सामान्य से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी कोरोना के मामले में कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय मजबूती से लगा हुआ, अधिकारियों को, डॉक्टरों को किस तरह के निर्देशन, क्योंकि गोंडम हमने देखा कि सीएमओ ने गलती से लिख दिया कि आज 14 के संदिग्ध कोरोना के मरीज आ गए, हड़कंप मच गया साहब, ये लोग जल्दबाजी में जो कर रहे हैं, ये लोग भी तो माहौल बिगाड़ रहे ना, तो इन पे भी तो नकेल चाहिए, इनके लिए भी तो गाइडलाइंस होनी चाहिए। नहीं देखिए, ऐसे गंभीर विषयों पे जो लीक से हटेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, यहाँ तो जैसे बाबा, और जो चिंता भूपेन जी जगा रहे थे कि नागपुर से मरीज भाग गया, लोग सामने नहीं आ रहे हैं, प्रशासन को बताना नहीं चाहते, प्रशासन की तो पूरी तैयारी है, लेकिन साहब वो सामने आना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी, ये कॉन्फिडेंस, ये क्लियरनेस कैसे हम पहुंचाएंगे वहां? शैलन जी, उनके भी खिलाफ FIR हुई है, तो कहने का मतलब बहुत साफ है कि जरा सा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और सरकारों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी व्यवस्था कर रखी, डॉक्टर्स अलर्ट मोड में है, जो भी अगर इस तरीके का संक्रमण कहीं पर भी पाया जाएगा उसकी जांच हो जाएगी और उस पर तुरंत कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो व्यवस्थाएं, चिकित्सा व्यवस्था हमारे प्रदेश में और देश में चल रही है वो सबसे अव्वल दर्जे की है, कहीं किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं, और हम इस पर जल्दी ही कंट्रोल भी करेंगे। चिंताएं इस तरह की है कि संसाधन तो हमारे पास लिमिटेड है, बताया जाता है कि एक दिन में आप 100 ही जो है जांच कर सकते हैं, महत्वपूर्ण जांच जो है कोरोना से जुड़ी, तो ऐसे में सेंटर्स बनाने जरूरत भी ज्यादा है कि लोकल लेवल पे भी आदमी उतना तो हो जाए कि भीड़ बढ़े ना, जो ज्यादा जरूरत है या जिसकी परीक्षण की ज्यादा जरूरत है वो पहले कम से कम पहुंच तो जाए वहां पर। परीक्षण की मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है, वैसे भी लखनऊ में KGMU में है, PGI में है, अब अलीगढ़ वगैरह में भी शुरू हो गया, तो चार जगह बढ़ गए, ये लोग गमछा पहन के आ रहे हैं,
चार नहीं ये 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 सही बात है, वो जो कह रहे हैं वो सत्यता की बात कह रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस को भी देखिए कि वो गमछे को जिस तरीके से आपके ही चैनल पे कहा जा रहा था, आपके आपके चैनल पे ही कहा जा रहा था कि वो गमछे को अगर 3 परत में कर लेंगे तो उससे ज्यादा मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत साफ है, जिस तरीके की तैयारी हमारी उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ चल रही है, मैं समझता हूँ कि ये बेहतर तैयारी है। ये तैयारी सकारात्मक परिणाम लेकर आए, चुनौतियां लेकर ना आए, समाधान लेकर आए। वक्त की कमी है अमिता जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहेंगे, किस तरह की अफवाहें आप सुन रही हैं, जान रही हैं, फेस कर रही हैं, और किस तरह से क्लियरिटी होगी कोरोना को लेकर, आगे के कदम क्या होने चाहिए? देखिए ऐसा है, एक तो मास्क के बारे में जरूर कमेंट करना चाहूंगी, मास्क का अनुचित उपयोग हो रहा है। जो लोग पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं उनको मास्क लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि अगर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो अपना नाक मुंह ढक कर रखें, इसके अलावा आपको कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, खांसते छींकते समय चाहे कोई कपड़ा, जैसे गमछे की बात हो रही है, तौलिया है, रुमाल है, कुछ भी नहीं है तो अपनी कोहनी से अपना मुंह और नाक को कवर कर ले। हाथ से कवर करना अच्छा नहीं है क्योंकि उन्हीं हाथों से आप दूसरी सर्फेसेस को छूते हैं। इसके अलावा मास्क की कॉमन जनता को जरूरत नहीं है, मास्क की जरूरत सिर्फ 2-3 तरह के लोगों को है। पहला वो जो मरीज है, दूसरा वो जो मरीजों की देखभाल करते हैं, तीसरे वो जो हेल्थ केयर में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, उन लोगों को जरूरत है। उसके अलावा मास्क की जरूरत जनता को बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग पहन के निकल रहे हैं, एक माहौल बन रहा है, आदमी डर रहा है कि क्या होगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। बिल्कुल, हमारे पास वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट भूपेन जी आपसे करना चाहेंगे। बनता है हर कोई, बिल्कुल मैम, वक्त की कमी हमारे पास, भूपेन जी फाइनल कमेंट चाहेंगे। साहब आपकी जरूरत तो सबको है, हर कोई चाहता है कि हमें डॉक्टर मिले, इलाज मिले, लेकिन डॉक्टर क्या चाहते हैं? जिस तरह से ये भी मामला सामने आया कि जो लोग यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं, जो यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो भी चपेट में आ रहे हैं, आपकी भी जरूरतें हैं, आपकी भी तो तमाम चीजें होंगी। देखिए जो डॉक्टर वहां पर हैं उनको सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है, लेकिन यदि मरीज बढ़ते हैं तो सरकार को उसकी पहले से तैयारी करके रखनी होगी, और हमें लगता है संजीव जी यहाँ पर हैं वो अच्छे से जानते होंगे, इसकी तैयारियां चल रही होंगी। लेकिन एक बात और है कि जो इसके लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, यदि कुछ आगे फेज 3 में जाता है तो इसके लिए वेंटिलेटर बिल्कुल अलग से चाहिए, तो उसके लिए सरकार को जरूर इंतजाम करना चाहिए। और डॉक्टर तो है ही, अभी एक बात मैं आखिर में कहता जाऊंगा कि एक अभी जो व्यक्ति की मृत्यु, उन्होंने डॉक्टर को ही कोसना शुरू कर दिया, और जो इतना बड़ा डॉक्टरों ने काम किया है और इस कठिन परिस्थिति में उसको लोग सराह नहीं रहे, तो डॉक्टरों को, डॉक्टर सब कुछ करने को तैयार है, बस लोग अप्रिशिएट करना शुरू करें। जो सवाल भूपेन जी के, उस पर क्या समाधान? देखिए दो तरीके की चीजें इन्होंने कहा है। एक तो मैं बता दूं कि 4,200 पहले ही डॉक्टर्स को ट्रेंड किया गया था, अब उनकी संख्या 7,000 के करीब हो रही है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि वेंटिलेटर्स की जहां तक बात है, तो वेंटिलेटर्स की बड़ी मात्रा में व्यवस्था की जा रही है, कतई किसी बिल्कुल लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है, और कोशिश भी यही है कि हालात बिगड़े ना, वायरस बेकाबू जरूर है लेकिन स्थितियां बेकाबू नहीं है। फिलहाल आज की बहस में इतना ही, तमाम मेहमानों और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।